नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे आकर्षण के नियम में ऊर्जा का क्या महत्व है, यानी कि जो हमारे अंदर प्राकृतिक वेव हैं उनका क्या महत्व है। आप विचार करना कि वेस्टर्न कंट्री जो है, पश्चिमी दुनिया जो है, उनके समय में एक ऐसा कालखंड आता है जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। उन्होंने एक ऐसा समीकरण सिद्ध किया जिसको एमसी स्क्वायर कहते हैं। इसको सिद्ध करते ही पूरी पश्चिमी दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि प्रत्येक क्वार्क, परमाणु और अणु, घास का हर तिनका, हर कण, धूल, सूर्य की किरण से बनी है, यानी कि ऊर्जा से। इसका मतलब यह है कि हम ऊर्जा से बने हुए हैं, जबकि ब्रह्मांड हमेशा विस्तारित हो रहा है। हम एक गतिशील रचनात्मक ब्रह्मांड की असाधारण शक्ति स्वयं बनाएं और उसे विस्तारित करें, यानी कि हम स्वयं अपने विचारों के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा एक ब्रह्मांड का निर्माण करें। यही आकर्षण का नियम है कि यानी कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपने आप को बना सकते हो, अपना एक अलग रास्ता बना सकते हो। यही आकर्षण का नियम है। इंसान अपने विचारों के माध्यम से उन आकर्षण जिसके प्रति वो उसका इच्छा है, जो उसकी लालच है, उसको आकर्षित कर सकता। उसके लिए शब्द, भावनाएं, कार्य जो हम करते हैं, ये सब कुछ जरूरी है। आकर्षण का नियम सभी पर काम करता है और हर समय काम करता है। इसको आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे आकर्षित करना पड़ता है। कैसे? कि हम हर समय अपनी ऊर्जा को समझें। हर एक प्रतिपल आपको उस पर काम करना, अपनी ऊर्जा पर, अपने विचार पर। आकर्षण का नियम ही संपत्ति है, जो बताती है कि तारे कैसे पैदा हुए, आपका जीवन कैसे होगा, आपका जन्म कैसे हुआ, आपका आगे का जीवन कैसे चलेगा। ये सब आकर्षण के नियम पर आधारित है। अब आपको एक और विस्मय होगा, कैसे कि ये पता चलेगा, आकर्षण कैसे सिद्ध करेगा आपका जन्म कैसे होगा। तो जो ग्रह होते हैं, जो तारे होते हैं, जो मंडल होते हैं, जो आपके पूर्व जन्म की बातें होती, ये सब आकर्षण के नियम पर काम करता है। आकर्षण के नियम का आज के समय सबसे एक उत्कृष्ट उदाहरण है ज्वार भाटा। आप देखोगे पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, चंद्रमा के कारण, सूर्य के कारण। तो वो नियम क्या है? आकर्षण का नियम है ना। तो आकर्षण का नियम जब समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को हिला देता, तो हमारे आपके जीवन को क्यों नहीं हिला सकता। तो कभी भी ध्यान देना है, जो भी आपके जीवन में सुखद, अप्रिय, आनंददायक, भयानक जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपको दुख सुख जो कुछ है, वो केवल आपके आकर्षण के नियम की तरह है। आप जैसा कल्पना कर रहे हो, जैसे आप अपने जीवन को जी रहे, उसी में आप अपने जीवन को जियोगे, उसी प्रकार आपका जीवन हो जाएगा। इसीलिए अपने विचार को, अपने कल्पना को हमेशा सही मार्ग में रखना है, पॉजिटिव वे में रखना है। आप जो कुछ सोचते हो, वही बीज के रूप में आपके जीवन में पैदा होता है। आप जैसा विचार करते, वही एक वृक्ष के रूप में आपके जीवन में बना जाता है। जैसे आप सोचते रहोगे, जैसे आप विचार करते रहो, जैसे आप भावना करते रहो, आपका जीवन उसी रूप में वृक्ष की भांति, जैसे बट वृक्ष बढ़ता रहता, वैसे आपका जीवन बढ़ता रहेगा। आपका जीवन जो है, इसमें ये ऊर्जा जो है, आकर्षण का जो नियम है, वह एक वेग की भांति काम करता है। जैसी बातें आप उस ब्रह्मांड को भेजते हैं, वैसे आपके साथ काम करता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव वे में ही बात करें। हमेशा पॉजिटिव में रहोगे, तभी जाकर के आपके लिए यह काम करेगा। आकर्षण का नियम बताता है कि व्यक्ति को जीवन में सदैव सावधानी से काम करना चाहिए। आपको फालतू की बातों को अपने दिमाग में नहीं लाना, हमेशा पॉजिटिव वे में जीना ही इसका एक सिद्धांत है। आगे हम इस पर डिटेल रूप से चर्चा करेंगे।
हमको विश्वास है यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।